आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा SP 160 CC के बारे में। जी हाँ, इसमें आपको मिल जाएगा फुली डिजिटल मीटर कंसोल, जो कि यार कंपनी ने इसका जो मीटर कंसोल है वो रिवील कर दिया है। कंपनी ने पहले गाड़ी का टैंक रिवील किया और भाई इसका जो टेल लैंप है वो भी रिवील हो चुका है, और इसका भाई जो मीटर कंसोल है ब्रांड ने वो भी रिवील कर दिया है। बाकी यार इस बाइक में आपको और क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, कैसी मिलेंगी, वो सारी आपको डिटेल्स देने वाले हैं। तो यार इसका भाई जो मीटर कंसोल है वो आपको मिलेगा फुली डिजिटल, और इसका भाई जो मीटर कंसोल है वो आपको लगभग सेम लग रहा होगा यमहा की FZX के जैसा ही, जो कि यार आप लोग देख रहे हो। बाकी यार कंसोल में आपको मिल जाएगा क्लॉक, ABS का इंडिकेट, माल फंक्शन, इंजन किल स्विच वगैरह आपको भाई ये इंडिकेट करेगा। साथ ही आपको इंडिकेटर का मिलेगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। बाकी यार आपको ABS की ब्रांडिंग मिल जाएगी, आपको FI का ब्रांडिंग मिल जाएगा, मतलब भाई इसमें आपको हर एक चीज़ इंडिकेट कर देगा। और भाई इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिल सकता है कुछ वेरिएंट में। बाकी यार भाई जो RPM वगैरह है वो भी ये गाड़ी शो कर देगी, क्लॉक वगैरह भी आपको मिल जाएगा, साथ ही इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा गियर पोजीशन इंडिकेटर। तो ये हो गया भाई बाइक का मीटर कंसोल। अब आते हैं गाड़ी के अदर फीचर पे। तो यार इसका भाई जो टैंक है, टैंक में आपको भाई मिलेगा की, जी हाँ इस गाड़ी में आपको फ्रंट में अप साइड डाउन मिलने वाला है। बाकी यार पीछे आपको मोनोशॉक मिल जाएगा, और ये गाड़ी आएगी डुअल डिस्क ब्रेक के साथ। दो वेरिएंट आएंगे, एक आएगा सिंगल डिस्क, एक आएगा डुअल डिस्क सिंगल चैनल ABS के साथ। बाइक की जो सीट है वो आपको मिल जाएगी सिंगल पीस, और भाई जो स्प्लिट सीट है वो आने का चांस है लेकिन कन्फर्म नहीं है। बाकी यार जो ग्रैब रेल्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं स्प्लिट के, और भाई इस गाड़ी में आपको जो मिलेगा इंजन वो आपको होंडा यूनिकॉर्न 160 वाला देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सेम रहेगा। गाड़ी में आपको साइलेंट स्टार्ट, किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट, ये सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको टायर मिल जाएगा 100 सेक्शन का, पीछे आपको टायर मिल जाएगा 140 सेक्शन का, और इसका जो प्राइस है वो आपको लगभग मिलेगा 1.30 से 1.40 के आसपास तक का एक्स शोरूम। और ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है 8 तारीख को, तो चाहो तो वेट कर लो आने वाली नई होंडा SP 160 का। बाकी भाई टैंक पे आपको होंडा का लोगो मिलेगा, और भाई जो इसके पैनल्स हैं साइड वाले वहाँ भाई आपको डेफिनेटली SP 160 की ब्रांडिंग मिलेगी भाई, जो कि आपको पता है कि ब्रांड इसी थीम पर गाड़ियों को लॉन्च करता है। तो यार भाई चाहो तो वेट कर लो, अगर आप लोग N160 अपाची 160 लेने को सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार इस गाड़ी को देख लो, पसंद आ जाए तो सोच समझ कर जो अच्छी लगे वो ले लेना, बाकी भाई मर्जी आपकी है। ठीक है भाई, मेरी मानो तो थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ अच्छा मिल सकता है। तो भाई जो वीडियो है लाइक कर दो, साथ ही यार भाई जो चैनल है सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।